कल स्वतंत्रता दिवस है और लंबे लंबे जुमलों की कल बारिश होने वाली है लाल किले की प्राचीर से। लेकिन मोदी जी, इससे पहले कि आप वो करिए, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये देश बात करने लगा है कि भ्रष्टाचार और घोटाले आपकी नाक के नीचे हो रहे हैं। एक बड़ी देश विरोधी संस्था है आपके खिलाफ साजिश रच रही है और मैं चाहती हूँ कि आप उस संस्था पर सबसे पहले तो ताला लगवा दीजिए। भला कौन है जो ये कह रहा है कि आपके नाक के नीचे एक नहीं, दो नहीं, सात सात घोटाले और दो तीन दिनों में ही खबरें आ गई हैं, लगातार होते जा रहे हैं। इस संस्था पर ताला लगवाइए, ईडी और सीबीआई की तो रेड खैर बनती ही है, और जेल भिजवाने का काम करिए इन लोगों को। भला इनकी हैसियत कि आपके नाक के नीचे घोटाले की बात कर रहे हैं? आप तो घोटालों पर लोकसभा में नारेबाजी करवा रहे थे, अब इन पर भी करवानी पड़ जाएगी, तो समय रहते हुए चेत जाइए, तुरंत जेल भेजने का काम करिए, इस देश विरोधी संस्था को तुरंत ताला लगवाइए। इस देश विरोधी संस्था का नाम है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सरकार के हर खर्चे को ऑडिट करता है, उसका पूरी परीक्षण करता है कि क्या खर्चा कैसे हुआ, कहां पर धांधली कहां पर नहीं। सात धांधलियों की बात करिए, सात घोटालों की, सोचिए कितनी लंबी साजिश गढ़ी जा रही है आपके खिलाफ मोदी जी। पहली साजिश, कहा जा रहा है कि भारत मौला प्रोजेक्ट में करीब 75,000 किलोमीटर की सड़क बननी थी, इसकी स्वीकृत राशि 15 करोड़ प्रति किलोमीटर थी, लेकिन अब बनकर आ रही है 25 करोड़ प्रति किलोमीटर में, मतलब 75,000 किलोमीटर में 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। पर सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, यहां पर सुनने में आ रहा है कि ड्यू डिलीजेंस ही नहीं करी गई, बिडिंग प्रोसेस में भी धांधली हो गई, टेंडर भी बिना ड्यू डिलीजेंस के दे दिए गए, और तो और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सेफ्टी कंसल्टेंट्स तक नहीं रखे गए थे। अब जो लोग सड़क पे चलेंगे वो अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें, सरकार थोड़ी जिम्मेदार है कि अच्छे रोड आपको बनाकर देगी और आप सुरक्षित रहिएगा, ये भी क्या अपेक्षा है बेकार की। तो सीएजी का ये पहला आपके खिलाफ साजिश थी। दूसरी, सड़क से ही रिलेटेड एक और साजिश रची जा रही है मोदी जी। कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेस वे है द्वारका का, उसकी स्वीकृत राशि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी, वो पहुंच गई 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पर। अब आप ये सोचिए कि जितनी कीमत में मंगलयान चला गया, उतनी मतलब 500 करोड़ में, उतने में सिर्फ 2 किलोमीटर रोड बनी, उस पर भी ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। अरे तो क्या हुआ भाई, उस रोड में हो सकता है इतना बढ़िया बनाओ कि आपको अपना चेहरा नजर आए, क्या हो गया अगर 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से बढ़कर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। इन लोगों को चुप रहना आता ही नहीं है, पता नहीं क्या धांधलेबाजी निकाल कर लिया है। अच्छा, तीसरी बात मोदी जी, ये आयुष्मान भारत पर इन्होंने साजिश रच दी, वही जिसके बारे में आप बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं। उस पर इनका कहना है कि 7.5 लाख लोग तो एक ही फोन नंबर से रजिस्टर है, अब भला बताइए, वही तो पहचान होती है फोन नंबर, और इनका कहना है कि 7.5 लाख लोगों का एक ही फोन नंबर है। अब सोचिए कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा आक्षेप। और यही नहीं मोदी जी, इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है सीएजी की कि जो लोग मृत हैं उनके नाम पर भी खर्चे का भुगतान किया जा रहा है। पता नहीं पैसा कहां जा रहा है, लेकिन साजिश तो देखिए आपके खिलाफ रची जा रही है, आपकी छवि धूमिल हो रही है, आपकी सरकार की छवि धूमिल हो रही है। चौथी बात मैं करूंगी अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। अब सोचिए भगवान राम को जिन लोग नहीं बख्श रहे उसके बारे में क्या कहा जाए। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जमीन के तो धांधलियां और कैसे भाजपा के नेताओं ने खूब मोटी मोटी मलाई कमाई वो तो अलग बात है, अब यहां पे कहा जा रहा है कि करीब 20 करोड़ का जो पैसा था वो ठेकेदारों के गल्ले में चला गया। भला कोई ऐसा क्यों करेगा, लेकिन ऐसा हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि ठेकेदारों की तो परीक्षण ही नहीं किया गया, जिनका ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया वहां भी जीएसटी का भुगतान हो गया। यही नहीं, सिंचाई विभाग करीब 14 जगह कुछ बनना था, उनका परीक्षण ही नहीं हुआ, उनका इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ। जो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड है उसने मार्जिन मनी ही नहीं दिया, आधा ही पैसा दिया। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि ठेकेदारों के गल्ले में पैसा पहुंचाने वाला कौन है, लेकिन कोई तो है। और ये देखिए एक और साजिश आपके खिलाफ रच दी गई। पांचवी बड़ी साजिश जो है ना मोदी जी, वो सबको असल में समझ आ गई है, तो पता नहीं इससे आप कैसे बचिएगा, लेकिन कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। टोल पर जो पैसा आप लोग ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल से तो वैसे ही देखिए कमर तोड़ दी है, अब जो थोड़ी रही सही थी वो टोल देकर लोगों की टूट रही थी। अब दिल्ली और मुंबई के बीच में इस समय अगर आप जाइए तो 6,000 का तो आप टोल ही दे दीजिएगा। अब ऐसे में NHAI ने 154 करोड़ रुपए की वसूली करी है, जो नहीं करनी चाहिए थी, गलत तरीकों से करी है।
पता है क्यों करिए कि जब टोल रोड के आसपास टोल बनता है तो 75% कम कर देनी होती है टोल, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने झूठ बोला कि दोनों तरफ टॉयलेट बने, टॉयलेट भी नहीं बने थे दोनों तरफ। तो ये एक और बड़ी धांधली सामने आ गई है, इससे भी मोदी जी छवि जो है ना वो थोड़ी धूमिल हो रही है। छठी बात तो HAL की करनी पड़ेगी, क्योंकि HAL के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है CAG ने और कहा है कि HAL में जो डिज़ाइन हुआ था एक इंजन, और मैं ये पढ़ के बोलूँगी क्योंकि मैं गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, डिज़ाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि करीब 160 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब HAL को तो आपने बहुत प्रताड़ित किया था अनिल अंबानी को जब आप धंधा दिलाने वाले थे, लेकिन किसी तरह से HAL बेचारा बचता बचाता आया। पता नहीं ऐसे लोग कौन है जो वहाँ पर गलत काम कर रहे हैं और CAG को ये बात बतानी पड़ रही है। और अंत में मोदी जी, गरीबों की बात करनी ज़रूरी है, गांव की ग्रामीणांचल की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वहाँ पर कुछ फंड था, पेंशन का फंड था, उस पेंशन के फंड से किसी ने बाकी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर दिया। अब भाई थोड़ा बच के रहिएगा, कहीं आप ही का प्रचार प्रसार तो नहीं हो गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो विज्ञापन में और एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा कर दिया गया, सोच लीजिए पेंशन का पैसा ग्रामीण विकास मंत्रालय में से। तो ये साजिशें कौन रच रहा है इसका तो, इसकी तो तह तक जाना पड़ेगा। आखिर CAG आपके पीछे क्यों पड़ गया है? उनको भी मुझे लगता है आभास हो गया कि झोला उठाकर आप जाने वाले हैं और अब झूठ और जितने भी काले कारनामे हुए हैं उनकी करतूतें जो हुई हैं उन पर से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। लेकिन जो भी हो मोदी जी, ये आपके खिलाफ साजिश है और ये बिल्कुल असहनीय है आपके लिए। आप तुरंत ED, CBI, इनकम टैक्स की रेड कराइए, इन लोगों को जेल भेजिए और सबसे पहले तो इस CAG को देशद्रोही एंटी नेशनल घोषित कर देना चाहिए, नहीं तो लोग इसकी बात मानने लगेंगे। लोगों के पास वैसे भी थोड़ी दिक्कतें आजकल हो गई मोदी जी, आपको अंदर की बात बताऊं। अब देखिए 7.44% पे महंगाई है, 8.4% पे बेरोजगारी है, लोगों के लिए ना खाना थोड़ा दुभर हो गया इस समय। और अब ये अभी बड़े बड़े घोटाले पता चल रहे हैं, पता चल रहा है कि आप ही के लोग खूब मोटी रकम कमा रहे हैं, तो लोगों के अंदर गुस्सा और भरता जा रहा है। तो थोड़ा सा सावधान भी रहिए, क्योंकि सरकार जाने का वक्त आ गया है। अब बड़े बड़े जुमले ना फेंकिए, कल आप जुमलों की बारिश करेंगे उसके लिए देश ऑलरेडी तैयार हो चुका है। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये जो CAG ने कलई खोल कर रख दी है, इस पर तो थोड़ा सा कार्रवाई करनी बनती है, नहीं तो लोग चर्चा करने लगे हैं, लोग आपके भ्रष्टाचार की, आपके नाक के नीचे हुए घोटालों की बात करने लगे हैं और पूछने लगे हैं ये मोटी रकम कमाई किसने। K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now